वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है इट्स नॉन यूनिफॉर्म इट्स नॉट यूनिफॉर्म मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है मान लो इट इज़ मूविंग अलोंग से एक्स डायरेक्शन एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस द रेफरेंस पॉइंट इज़ ओ ठीक है मान लो ये ओ से ए पहुंचा ए तक और इसने दस मीटर कवर किए और टाइम लग गया दो सेकेंड ठीक है अब इसने नेक्स्ट टेन मीटर्स कवर किए यहां से यहां तक अब टाइम लगा यहां से यहां तक टाइम लगा एक सेकेंड तो टोटल टाइम होगा थ्री सेकेंड्स तो इसका मतलब पहले दस मीटर इसने दो सेकंड में कवर किए और जो नेक्स्ट टेन मीटर्स है वो एक सेकंड में कवर किए तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर हुई इन अन एकवल इंटरवल्स ऑफ टाइम ठीक है तो इक्वल डिस्टेंसिस आर कवर्ड इन अन एकक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या अगर हम इसका उल्टा भी करेंगे टाइम को बराबर कर देंगे और डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगी यानी कि ऐसा मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंसेज कवर होंगी इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या अनइक्वल एकवल कवर होंगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ठीक है तो ऐसे मोशन का नाम होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि इसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू डिफरेंट होगा जैसे आप देखोगे ए पे ओ से लेके ए तक जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 10 डिवाइडेड बाय 2 तो पहले जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा टेन डिवाइड बाई टू फाइव मीटर पर सेकेंड ओ से ए तक अब अगर अब अगर देखेंगे ओ से बी तक यानी कि ए यहाँ ए से बी तक ए से बी तक डिस्टेंस कवर हुई टेन और टाइम लगा एक सेकेंड तो टेन मीटर पर सेकेंड यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू डिफरेंट टाइम्स पर और डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट आ रहा है तो वेलोसिटी सेम नहीं आ रही है यानी कि स्पीड जो है वो वेरिएबल है स्पीड या वेलोसिटी इज वेरिएबल तो लास्ट टाइम हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड वेरिएबल होती है या वेलोसिटी वेरिएबल होती है वहां पे होता था इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यहां पे अनइक्वल एकवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यानी कि अगर आप डिस्टेंस को इक्वल कर रहे हो टाइम अनइक्वल हो जाएगा डिस्टेंस को अनइक्वल कर रहे हो तो टाइम इक्वल हो जाएगा तो सच ए मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो यहां पे हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड क्योंकि एवरेज हम जनरली वहीं पे निकालते हैं जहां पे क्वांटिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है तो हम डिस्कस करेंगे मैथड्स ऑफ फाइंडिंग एवरेज स्पीड मैथड्स ऑफ फाइंडिंग एवरेज स्पीड methods of फाइंडिंग एवरेज स्पीड तो पहला जो method है पहला जो मेथड है इसमें हम एक example लेंगे फर्स्ट method इज कि एक बॉडी है वो डिस्टेंस कवर कर रही है से एस वन डिस्टेंस कवर कर रही है एस वन एस वन डिस्टेंस कवर करने के लिए इसकी स्पीड रहती है वी वन ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ए से बी तक बताओ स्पीड क्या रही तो वही स्पीड है जो स्पीड है दैट इज़ वी वन अब नेक्स्ट डिस्टेंस जो है दैट इज़ एस टू इसके लिए स्पीड रही वी टू यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाली स्पीड v2 इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस s3 और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड v3 ठीक है तो यहाँ पे डिस्टेंसेज एस वन है उसके लिए स्पीड वी वन है फिर आगे जो नेक्स्ट डिस्टेंस होगी एस टू उसके लिए स्पीड वी टू फिर आगे एस थ्री स्पीड वी थ्री यानी कि स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है ही तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वी एवरेज जो होता है ये हमने पिछली बार डेफिनेशन में देखा वी एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू तो टोटल तो डिस्टेंस तो कवर्ड टोटल डिस्टेंस का वर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ठीक है एवरेज स्पीड इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम ठीक है अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो है टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल यानी कि सारी डिस्टेंस पूरे मोशन में कितनी कवर हुई उसका नाम होगा या उसका वैल्यू होगा एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री यानी कि टोटल डिस्टेंस हमको मिल गई अब क्या चाहिए टोटल टाइम टोटल टाइम तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए से बी तक पहले हम देखेंगे ए से बी तक कितना टाइम लगा ए से बी तक डिस्टेंस कवर हुई एस वन ठीक है ए से बी तक डिस्टेंस कवर हुई एस वन है वी वन वी नो दैट टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि ए से बी तक का जाने में जो टाइम लगेगा दैट इज एस वन बाई वी वन ठीक है इसी तरह से बी से सी तक डिस्टेंस कवर हुई एस टू और बी से सी तक की जो स्पीड रही दैट इज़ वी टू तो बी से सी तक जाने का टाइम जो रहा होगा दैट इज़ एस टू बाई वी टू इसी तरह से सी से डी तक जाने का टाइम होगा एस थ्री बाई वी थ्री एस थ्री बाई वी थ्री तो बताओ टोटल टाइम होगा एस वन बाई वी वन प्लस एस टू बाई वी टू प्लस एस थ्री बाई वी थ्री तो हमें टोटल टाइम भी मिल गया और टोटल डिस्टेंस भी मिल गई तो दोनों को रखना है एवरेज स्पीड के फार्मूला में वी विल गेट एवरेज स्पीड तो वी एवरेज होगा वी एवरेज होगा टोटल डिस्टेंस आई थी एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री अपन टोटल टाइम आया था एस वन बाई वी वन प्लस एस टू बाई वी टू प्लस एस थ्री बाई वी थ्री यह है एवरेज स्पीड का फार्मूला ठीक है वेरी सिंपल यानी कि आपको दिया गया है ये डिस्टेंस मान लो पहली डिस्टेंस को इतने के लिए इतनी स्पीड रहती है दूसरी डिस्टेंस के लिए इतनी स्पीड रहती है तीसरी डिस्टेंस के लिए इतनी स्पीड रहती है तो आप तीनों का वैल्यू इसमें रखोगे या अगर आपके पास दो ही डिस्टेंस है तो आएगा एस वन प्लस एस टू डिवाइडेड बाई एस वन वी वन प्लस एस टू बाई वी टू तो दिस इज फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड वेन डिस्टेंसेज एंड स्पीड्स आर गिवन तो फर्स्ट केस जो था इसको हम फिर से यहाँ पर नोट करेंगे जो फर्स्ट केस है या यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंसेस एंड स्पीड्स आर गिवन तो पहले वाले केस में डिस्टेंस और स्पीड गिवन होगी आपको निकालना है एवरेज स्पीड अब सवाल है कि अगर डिस्टेंसेस बराबर होंगी अगर ये सारी डिस्टेंसेस सेम होंगी यानी कि एस वन एस टू एस थ्री सब बराबर होंगे एस के ठीक है यानी कि पहले दस मीटर फिर भी दस मीटर नेक्स्ट दस मीटर फिर नेक्स्ट दस मीटर तो टेन 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 ऐसे यहाँ पे एस 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 यानी कि सारी डिस्टेंसेज अगर एस के बराबर होंगी तो उस सिचुएशन में वी एवरेज का वैल्यू आएगा यहाँ आएगा एस प्लस एस प्लस एस एज थ्री एस थ्री एस अपॉन नीचे आएगा एस बाई वी वन एस बाई वी टू एस बाई वी थ्री तो एस को कॉमन हम करेंगे तो आएगा वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू प्लस वन बाई वी थ्री ठीक है अब एस एस कैंसिल होगा एस एस कैंसिल होगा यानी कि अगर आपके पास इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही है विद डिफरेंट स्पीड्स तो आपको डिस्टेंस चाहिए ही नहीं क्योंकि वो एवरेज स्पीड में कैंसिल हो रही है ठीक है तो अब आंसर क्या आएगा थ्री डिवाइडेड बाई अब नीचे जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो पहले हम वन बाई वी वन को ऐसे ही रखेंगे तो इधर आएगा v3 थ्री प्लस वी टू डिवाइडेड बाई वी टू वी थ्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी थ्री प्लस वी टू अपॉन वी टू वी थ्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को आगे ले जाएंगे तो v एवरेज आएगा थ्री अपॉन ये आएगा ये इधर जाएगा v2 v3 वी थ्री प्लस वी थ्री वी वन प्लस वी वन वी टू whole डिवाइडेड by वी वन वी टू वी थ्री अब ये जो नीचे है ये सीधे ऊपर जाएगा आफ्टर रेसिप्रोकेशन ठीक v वी एवरेज इज थ्री डिनोमिनेटर वी वन वी टू वी थ्री ऊपर जाएगा सारा वी वन वी टू वी थ्री नीचे आएगा वी वन वी टू प्लस वी टू वी थ्री प्लस वी वन वी थ्री तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आपके पास क्वेश्चन में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही है विद डिफरेंट स्पीड्स मान लो तीन स्पीड्स दी गई है तो आप तीन स्पीड्स का वैल्यू यहां पे रखो तो ये जो आपने निकाला दिस इज कॉल्ड एज इसका नाम होता है हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन तो दिस मीन इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन तो करना क्या है जब आपके पास इक्वल डिस्टेंसेज कवर हो रही हैं विद डिफरेंट स्पीड्स तो आपने सिंपली उन स्पीड्स को लेना उनका हार्मोनिक मीन निकालना है तो यू विल गेट एवरेज स्पीड अच्छा अगर आपके पास दो ही होंगी उस सिचुएशन में आएगा टू वी वन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू उस सिचुएशन में ये आएगा चार होगा तो यहाँ पे आएंगे फोर वी वन वी टू वी थ्री वी फोर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में तीन की जगह चार टर्म्स आएंगे वन टू थ्री टू थ्री फोर इसी तरह से थ्री फोर वन इसी तरह से वन टू फोर ठीक है तो यू कैन फाइंड एवरेज स्पीड अब अगर डिस्टेंसेज बराबर नहीं है तो पहला वाला केस ये वाला फार्मूला लगेगा ठीक है तो ये तब है ये एवरेज का फार्मूला एंड स्पीड्स आर गिवन जो दूसरा केस होगा उसमें उसमें टाइम एंड स्पीड्स आर गिवन या स्पीड एंड टाइम इज गिवन इफ स्पीड स्पीड्स एंड टाइम्स आर गिवन यानी कि एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक इसकी स्पीड रहती है वी वन और इसको टाइम लगता है टी वन इसी तरह से बी से सी तक जा रहा है इसकी स्पीड रहती है बी से सी तक वी टू और टाइम लग रहा है टी टू सी से डी तक इसकी स्पीड रहती है वी थ्री और टाइम लग रहा है टी थ्री तो फिर से देखेंगे वी एवरेज का फार्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम ठीक है अब यहाँ पे टाइम की दिक्कत नहीं है टाइम टोटल गिवन है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री ठीक है जैसा पिछले केस में था वहां पे हमने टाइम निकालना पड़ा यहां पे टाइम नहीं निकालना है लेकिन यहां पर निकालनी है डिस्टेंस ठीक है तो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन नहीं है तो बताओ ए से बी तक स्पीड रहती है बी वन ए से बी तक टाइम लग रहा है टी वन तो बताओ ए से बी तक डिस्टेंस कितनी कवर होगी डिस्टेंस इज तो ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इन टू तो टाइम तो ए से बी तक की डिस्टेंस होगी वी वन टी वन ठीक है बी से सी तक की डिस्टेंस होगी वी टू टी टू सी से डी तक की डिस्टेंस होगी वी थ्री टी थ्री तो टोटल डिस्टेंस इनका क्या होगा सम और उसको लेंगे एस के बराबर यह आया टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होगा टोटल टाइम होगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री तो टोटल टाइम भी मिल गया टोटल डिस्टेंस भी मिल गई एवरेज स्पीड के फार्मूला में रखना है दियर फोर वी एवरेज आएगा कितना आएगा टोटल डिस्टेंस इज़ वी वन टी वन प्लस वी टू टी टू प्लस वी थ्री टी थ्री अपॉन टोटल टाइम टेकन इज टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री तो ये फार्मूला है एवरेज स्पीड का अगर डिफरेंट टाइम्स के लिए डिफरेंट स्पीड्स है अब फिर से हम वही वाला केस लगाएंगे अगर सारे टाइम्स बराबर है अगर t1, t2 और t3 बराबर है तो यानी कि इफ t1 वन इज ईक्वल टू टी टू इज इक्वल टू टी थ्री इज ईक्वल टू टी सारे तो सारे टाइम्स बराबर है मान लो पहले दो सेकंड के लिए स्पीड है बी वन अगले दो सेकंड के लिए स्पीड है वी टू अगले दो सेकंड के लिए स्पीड है वी थ्री तो टाइम इंटरवल्स बराबर हो गई वही मैंने लिखा टी वन इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू टी थ्री इज ईक्वल टू टी उस सिचुएशन में क्या होगा उस सिचुएशन में वी एवरेज बनेगा यह आप देख सकते हो यहाँ पे बनेगा वी वन टी प्लस वी टू टी प्लस वी थ्री टी तो टी बाहर जाएगा टी बाहर जाएगा नीचे ये ब्रैकेट में आएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अपॉन नीचे क्या आएगा टी प्लस टी प्लस टी थ्री टी थ्री टी नाउ टी 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 कैंसिल होगा तो वी एवरेज आएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री डिवाइडेड बाय थ्री यानी कि आपको टाइम की जरूरत ही नहीं है तब अगर टाइम बराबर लग रहा है तो टाइम चाहिए नहीं आपको तो सिंपली आपको क्या करना है सारी वेलोसिटीज को सम करना है डिवाइड बाय नंबर नाउ दिस इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन तो अर्थमेटिक मीन हम कब लेते हैं जब टाइम्स बराबर होंगी और स्पीड्स डिफरेंट होंगे ठीक है उस सिचुएशन में अर्थमैटिक इसी तरह से अगर आप दो आप अगर आपके पास दो ही वेलोसिटीज़ हैं वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाई टू आएगा उस सिचुएशन में तो दीज आर टू मैथड ऑफ फाइंडिंग एवरेज स्पीड आई एम श्योर इस इसमें न्यूमेरिकल्स आपको ईजिली आएंगे इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन अभी हमने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अभी जो हमने डेफिनेशन लिखी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंसेज कवर हो रही हैं विद अन इंटरवल्स ऑफ टाइम इन इन अन इंटरवल्स ऑफ टाइम या या अन एकवल कवर हो रही हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ये हमने पीछे अभी लिखा तो फिर मैंने फाइनली कहा था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग और ऐसी स्पीड का नाम होता है एवरेज स्पीड ठीक है तो नॉन यूनिफॉर्मोशन की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें स्पीड जो है या विलासिटी जो है वो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली दैट कीप्स ऑन चेंजिंग वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती है. तो विलासिटी किस रेट पर चेंज हो जाएगी वेलासिटी किस रेट पर चेंज हो रही है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलेशन तो सिंपली कहेंगे हम पहली डेफिनेशन जो इसकी होगी

एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलासिटी केस में देखा एवरेज वेलॉसिटी एंड इंस्टेंटेनियसोसिटी ऐसी एक्सलेशन केस के में देखना है एवरेज एक्सलेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन मान लो एक ऑब्जेक्ट है तो पहले हम देखेंगे एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि हमें निकालना है ए एवरेज ए एवरेज मान लो एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ठीक है मान लो ये ओ है यहाँ पे इसकी स्पीड है v1 और टाइम है t1 वन यहाँ पर इसकी स्पीड है v2 टाइम है t2 इसी तरह से आगे जा रहा है यानी कि पॉइंट A से पॉइंट B तक पॉइंट A से पॉइंट B तक वेलोसिटी अपना वैल्यू चेंज कर रही है v1 से v2 यानी कि पहले थी v1 बाद में है v2 तो कितनी चेंज हुई v2 टू माइनस वी वी टू माइनस वी और इसको टाइम कितना लगा यहां से यहां तक का टाइम है t2 टू यहां से यहां तक का टाइम है सॉरी यहां, यहां तक का टाइम है t1 वन ओ से b तक का टाइम है t2 तो a से b तक का टाइम होगा t2 टू माइनस ठीक है तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई चेंज इन वेलोसिटी बराबर आया v2 टू माइनस टाइम टेकन इज टी टू माइनस टी वन तो कहने का मतलब ये है अगर हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे यानी कि रेशियो निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी का टाइम टेकन के साथ ठीक है तो ए एवरेज होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन वो बराबर होगा वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन तो अगर वी टू माइनस वी वन का नाम हम रखेंगे डेल्टा वी टी टू माइनस टी वन का नाम रखेंगे डेल्टा टी एवरेज इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी सिंपली आपको याद रखना है एवरेज एक्सेलेशन इज सिंपली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम ठीक है जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है और जितना टाइम लग रहा है दोनों को डिवाइड करना है दैट इज एवरेज एक्सेलेशन ठीक है अब ये देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है न्यूमरेटर में चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है ठीक है अब वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी तो एक्सलेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी वेक्टर इस पॉइंट को हम यहां पे लिख रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी होगी दूसरी बात इसका यूनिट क्या होगा ऊपर है वेलोसिटी नीचे है टाइम वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड नीचे और एक सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ऊपर वेलोसिटी है एम जीरो एल वन टी माइनस वन नीचे ओवर टाइम है तो आएगा माइनस टू इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है एम जीरो माइनस टू तो अब हम दूसरे एक्सेलेरेशन की तरफ जाएंगे दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन इंस्टेन टेनियस एक्सेलरेशन एक्सलरेशन एक्सेलरेशन अभी के एग्जांपल ले रहे हैं फिर से ये ए है ये है. पे बी है ए पेलॉसटी वी वन बी पे वेलोसिटी ए पे टाइम टी वन बी पे विलौस्टी? टी टू यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसका नाम आपने रखा डेल्टा टी अभी हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा दैट इज टी टू माइनस टी वन दैट इज डेल्टा टी तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं यहाँ से यहाँ तक की चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड करूँगा टाइम टेकन के साथ एवरेज एक्सेलेशन जो हमने अभी देखा अब मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम एक्सेलेशन का वैल्यू नहीं चाहिए मुझे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर चाहिए एट एनी टाइम ठीक है अगर मुझे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एट एनी टाइम चाहिए तो मुझे इस टाइम इंटरवल को श्रिंक करना पड़ेगा कंप्रेस करना पड़ेगा यानी कि ये टाइम इंटरवल को मुझे बहुत छोटा करना पड़ेगा टेंडिंग टूवर्ड जीरो सो दैट आई विल गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ठीक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूअर्ड जीरो यानी कि टाइम इंटरवल का स्मॉल लिमिट आपको किस पे लगाना है एवरेज एक्सेलरेशन पे एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाओगे ठीक है तो एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है तो ये बनेगा डी वी बाय डी टी सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन या डिफरेंसेशन ऑफ डिफ्रेंसीेशन ऑफ वेलॉसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम विल गिव अस इंस्टेंटेनियस एक्सेलेन ये भी वैक्टर क्वान्टिटी होगी ये भी आ, इसका डायमिश्रल फार्मूला भी सेम होगा एम जीरो एलवेंटी माइनस टू इसका ऐसा यूनिट भी होगा मीटर पर सेकेंड फर्क क्या है एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन में एवरेज एक्सेलेशन इज द एक्सेलेशन ओवर अ टाइम इंटरवल एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन इज एन एक्सेलेसन एट एन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियस In एक्सेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है जो वेलोसिटी का फंक्शन गिवन होगा उसको डिफ्रेंसीशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम यू विल गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेशन ठीक है अगर मैं आपको वैल्यू दूंगा मान लो पहले स्पीड है सपोज पहले स्पीड थी दस मीटर पर सेकेंड टाइम है ज़ीरो सेकेंड मैंने टाइम को ज़ीरो सेकेंड लिया ठीक है बाद में स्पीड है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड अब टाइम है मान लो चार सेकेंड तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना ट्वेंटी माइनस टेन अपॉन टाइम टेकन कितना हुआ जीरो तो एक्सेशन कितनी होगी ट्वेंटी पर सेकेंड स्क्ट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो ये कौन सी एक्सेलेशन आपने निकाली ये आपने एक्सेलेशन निकाली ओवर अ टाइम इंटरवल फ्राम जीरो एक्सेलेशन इज एवरेज एक्सेलेशन तो अगर आप कहने का मतलब ये अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलासिटी का वैल्यू गिवन है वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू तो यू कैन ओनली फाइंड एवरेज एक्सेलेशन जबकि अगर आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया गया होगा तो आप एवरेज एक्सेलेशन भी निकाल सकते हो और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन भी निकाल सकते हो अब हमने देखा पिछली बार इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ लास्ट टाइम हमने देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होती है वी बराबर होता है डी एस अपॉन डी टी तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आएगा डी एस अपॉन डी टी

वेलोसिटी मिल जाएगी फिर वेलोसिटी की एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा यानी कि अगर आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है एक बार डिफरेंशिएशन करो एक्सेलरेशन मिल जाएगा अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन है तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वह पहले वेलोसिटी मिल जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर उसको और डिफ्रेंसीशन करना है फिर मिल जाएगी एक्सेलरेशन तो दिस इज हाउ वी फाइंड एक्सेलरेशन उसके बाद वाले टॉपिक जो होंगे दैट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो वो हम डिस्कस करेंगे इन next lecture. Thank you.